आईटेल के इस कीपैड फोन में अगर आप डेट और टाइम को सेट करना चाहते हैं तो आप ये बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेनू बटन पर क्लिक करना है। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सेटिंग्स का आइकन बना हुआ है। यहाँ पर आने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए आप ओके या फिर बीच वाले बटन दोनों का यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं फोन सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइम एंड डेट देख सकते हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर सेट टाइम करना होता है। अपने इस कीपैड फोन में नंबरों का यूज करके आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद राइट आएंगे और आप यहाँ से एएम और पीएम को भी चेंज कर सकते हैं बीच वाले बटन को प्रेस करके। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको जो भी डेट मंथ और ईयर यहाँ से सेट करना है वो आप अपने इस कीपैड फोन में प्रेस करके यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं टाइम फॉर्मेट को भी सेट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के लिए आप बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो टाइम फॉर्मेट दिए जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका टाइम फॉर्मेट इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन फॉर्मेट दिए जाते हैं, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने इस कीपैड फोन में डिस्प्ले पर सबसे पहले ईयर शो होगा, उसके बाद मंथ शो होगा और फिर डे यानी कि दिनांक शो होगा। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट किया है। पहले दिनांक शो होगा, उसके बाद महीना और फिर साल। फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से ओके पर क्लिक करेंगे, आपका डेट फॉर्मेट इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ऑटो अपडेट टाइम, ये ऑफ है, इसे आपको सिलेक्ट करने के बाद ऑन कर देना है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी टाइम और डेट को चेंज किया है या फिर सेट किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में आईटेल के इस कीपैड फोन से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।